एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, उसका प्रतिफल मिलने का चुनाव है, और उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। माला लक्ष्मी शाह जी को आप सब जानते हैं, बेदाग छवि है उनकी, हमेशा जो अपने क्षेत्र के काम है, संसद के काम है, पार्टी के काम है, उनको लगातार आगे बढ़ाती हैं, लगातार जितना उनसे बन पड़ता है हमेशा करने की कोशिश करती हैं। मैं उन्हीं के लिए आज आप सबसे एक बार निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने उनको पहले भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया है, इस बार का चुनाव थोड़ा हर बार के चुनाव से अलग हो रहा है। इस बार का चुनाव यह है कि आप देश में कहीं बात करिए, आप पूछिए कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो लोग कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। क्या कहते हैं, मोदी जी की सरकार बनने वाली कहेंगे ना। अगर आप पूछेंगे इस पूरे टेरी लोकसभा में कौन जीतने वाला है, तो लोग कहेंगे यहां तो महारानी माला लक्ष्मी शाह जी ही जीतने वाली हैं। तो भाइयों बहनों, अब इस बार आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई है। उनको चुनाव में खड़े होने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। हर बार उनके यहां यह होता था कि देश आजादी के बाद से कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लगातार सिफारिश करवाते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में सिफारिश किस बात के लिए हो रही थी बड़े बड़े नेताओं की, कि हमको चुनाव में खड़ा नहीं होना है, टिकट मुझे न मिले, इस बात की सिफारिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था भाइयों बहनों कि इस बार के चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। देश की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने उभरते हुए भारत को देखा है, मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व को देखा है, विश्व में जिस प्रकार से भारत की साख बढ़ी है, पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है 10 वर्षों में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। चाहे आज G20 सम्मेलनों की अध्यक्षता हो, दुनिया ने भारत को नजदीक से देखा है कि भारत की सामर्थ्य क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबी और पिछड़ेपन को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है, विकास को समाज के अंतिम छोर में पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। हम सबको पता है जो भी योजनाएं उन्होंने लागू की है, वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, महिलाओं के उत्थान को समर्पित है, नौजवान युवाओं को समर्पित है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र की तरक्की हो, ये मोदी जी ने उसके लिए मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस प्रयास, इस मंत्र को मूल मानकर मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। चाहे आज जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, हर घर से नल पहुंचाने की, हर घर से नल जल पहुंचाने की योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे इज्जत घर बनाने की योजना हो, देश के अंदर 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया गया है, ड्रोन दीदी शुरू किया गया है, लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू हुआ है, एक के बाद एक अनेक अनेक कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किए हैं। भाइयों बहनों, ये केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये सब कार्यक्रम मोदी जी की गारंटियां हैं, जो देश के करोड़ों गरीब लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने का काम कर रही है, उनके जीवन में खुशियां लाने का काम कर रही है। और मोदी जी ने इसके साथ साथ बहुत सारे कड़े निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं, धारा 370 हटाई गई है, CAA का कानून लाया गया है।